So hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. This is Prantik and you are watching the Red Rider. So guys, आज है संडे एंड बहुत दिनों बाद हम निकले हैं संडे राइड पे. Yes, जी हाँ guys, not drive, ride. And यहाँ पे हमारे साथ जो लाइनअप है वो है एक आयरन 883, एक जावा बॉबर, उसमें भी स्पीकर वगैरह लगा हुआ. एंड यहाँ पे है अपना GT 650 और एक और ड्यूक 390 आ रहा है. और यहाँ पे देखो गाइज, ये है जावा का ओनर सिद्धांत, ये मेरा दोस्त है. ये आज पहली बार ब्लॉग में आ रहा है ना, और यहाँ पे तो पता है आपको. और एक और भाई का वेट चल रहा है, वो है इंद्रो रूप, आप लोगों ने तो देखा है उसे पहले लास्ट ब्लॉग में. हाँ गाइज, अभी वेटिंग वेटिंग चल रहा है. और आज बहुत दिनों बाद ना ऐसा राइडिंग वाला ब्लॉग कर रहा हूँ और बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, लोग ऐसा देख रहे हो. वापस से मुझे उस जोन में जाना पड़ेगा. एनीवेज, कोई बात नहीं. तो गाइस, यहाँ पे इंद्र रूप भी आ चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. और जावा पे भी स्पीकर लगा हुआ है तो उसमें भी गाना बज रहा है और हाली में तो बज ही रहा है. खाली आमदार गाना है. ओ लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. बहुत दिनों बाद गाइस मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ करके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत दिनों बाद लग रहा है कि जो पहले खड़ा करता था वो आज दोबारा से कर रहा हूँ. ओए भाई, ये बाइक भी अलग लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है. तो गाइस, अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट. और मैंने बताया नहीं आपको कि हम लोग जाने कहाँ वाले हैं. तो हम लोग बेसिकली जाने वाले हैं हाफलोंग रोड पे. आई नो हाफलोंग रोड ख़राब है, वहाँ पे सुना है कि लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, बट हाँ जितना तक जा सकते हैं उतना तक जाएंगे, क्योंकि पहले का रास्ता जो है बहुत अच्छा है, एकदम नया बना है. तो अभी आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं. भाई थोड़ा पीछे रह गया है. भाई ये मेरे नए टायर के साथ पहला राइड है एंड सो फार तो सो गुड. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट आई फील कि आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड. ऑफकोर्स भाई, मेटजलर का टायर है, मेटजलर इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन टायर, तो अच्छा तो होना ही है. अरे अभी भी आया है, क्या हाल है ब्रो? तो फिर चल चलते हैं सामने जाके. हेलो लोग, या अभी ओ हेलो लोग, तो कल के देखा इसे. हाँ तो चलो हम लोग अभी निकलते हैं फिर, और फिर महालक्ष्मी में थोड़ा रुकना है ना. ठीक है, हाँ वो पेट्रोल लेना है. ठीक है हो जाएगा. चलो ब्लॉग शुरू ही तो नहीं. यस ब्रो, चलो ऑलरेडी गोइंग ऑन. आज तूने बहुत लेट किया, मैंने ब्लॉग पे कुछ बताया नहीं, अब बाद में सुनाऊंगा, रुक जा, आराम से बैठ के सुनाऊंगा. अभी भी ज्वाइन कर लिया सडनली, मेरे को अभी पता चला. एनीवेज अच्छा हुआ, 1 2 3 4 5 लोग हैं और वो है क्लासिक 350. कम ऑन लेट्स गो. और ओए टायर का रिव्यू कैसा है, पीछे से कैसा लग रहा है? भाई टायर पीछे से एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को. तेरे सैडल बैग सही लग रहे हैं भाई. सैडल बैग ये सही लग रहा है, लेकिन सीट की वजह से गंदा लग रहा है. तो क्या सिंगल सीट होने से और अच्छा लगता है? सिंगल सीट पे बहुत मस्त लगता है, मैं सोचा था उतार देता. अभी ने भी बहुत जोरों का ब्रेक मारा भाई, नहीं तो आज छूटते भाई. बहुत डेंजर हो चुका है भाई, ये इंडिया में स्पेशली बाइक गाड़ी चलाना बहुत डेंजर हो चुका है.
सो गाइस यहाँ पे हम लोग टोल गेट तक पहुँच चुके हैं और ये टोल गेट शुरू तो हो चुका है। जब गुवाहाटी गया था BMW उसके साथ तब यहाँ पे टोल काटना पड़ा था। शुरू हो चुका है टोल गेट, बट हम लोग बाइकों के लिए तो चाहिए नहीं। लागे ना जा 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 बाइकर, लागे ना जा। बाइकों के लिए चाहिए नहीं होता है यार टोल। यहाँ पे टोल गेट क्रॉस करते ही व्यू पूरा चेंज हो गया यार। वो यार ये लोग मेरे को मेरे वीडियो में कॉपीराइट लाएंगे कभी। हाय हाय हाय, ओ भाई यहाँ का क्या व्यू आ रहा है यार, क्या व्यू आ रहा है भाई। ओ शुरू हो चुका है, बट वो भाई रास्ता बन चुका है यार। यहाँ पे जब पिछली बार आया था तब रास्ता बना नहीं था, अभी रास्ता बन चुका है। बट यहाँ का भी क्या व्यू आ रहा है भाई। बेटा फोटो कहाँ पे खींच सकते हैं? फोटो कहाँ पे खींच सकते हैं भाई? यार रास्ता तो काफी सही है और व्यू भी क्या आ रहा है, मस्त आ रहा है रास्ते के साथ। झरना दिख गया गाइस, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। ओ भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है यार, गंदा लैंडस्लाइड हुआ है यार। उस साइड का रोड पूरा खत्म हो चुका है। तभी तो मैं सोचूं कि लोग ऑपोजिट साइड से भी इस वे से क्यों आ रहे हैं, अभी समझ में आया भाई। गंदा लैंडस्लाइड हुआ है यार यहाँ पे भी। यहाँ से शायद यू टर्न ले लेंगे हम, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ पे शुरू हो चुका है। और यहाँ से अगर लैंडस्लाइड शुरू हो चुका है तो आगे जाके और ख़तरनाक वाले लैंडस्लाइड होने वाले हैं, तो यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। भाई कितना लैंडस्लाइड हुई, देखो उसने यहाँ के घनों।
উইসাইডের রাস্তা পুরো শেষ দেখাই যান না আমার যে আওয়াজ পড়ে কি দাও ও ইয়ে ওই ডিবি কিলার খুলি লাই ডিবি কিলার খুললে না না ভাই ডিবি কিলার খুললে সে আচ্ছা সাউন্ড করেগা আরে 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 ডলফিন ডলফিন না ডলফিন না हां ये बहुत सही साउंड है तो मजा आ जाएगा ये फटना फटना फटा सकता हूं लेकिन अरे ये तो तू ये इससे फटाएगा ना दुकान नहीं लेकिन ये ना बताए हाई रेप से ज्यादा ना ऐसे नॉर्मल अच्छा लगता है हां भाई चलते समय हमारा भाई सबसे ठंडा भाई आवाज ही नहीं इतना साइलेंट ओ यार लगा ये सब बट हम वापसी हम नहीं रहो मोई पर भैया भाई अभी व्यू सबसे अच्छा आ रहा है भाई सबसे व्यू अच्छा आ रहा है वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो कोहरा पड़ा है ये असल कोयला राइटिंग है इतना सुंदर असल भाई सेक्सी असल होगा ना जावर समय फोटो उठ मु ओ भाई गाइस यार मजा आ गया यार काफी दिनों बाद भाई बहुत बहुत महीने बाद आज मैं बाइक चलाने निकला हूँ आज मैं बेसिकली राइड पे निकला हूँ बाइक चलाता हूँ कहाँ जाता हूँ बता यूनिवर्सिटी जाता हूँ जिम जाता हूँ दैट्स इट एनफ है बट आज बहुत टाइम बाद ना ऐसा प्रॉपर राइड पे निकला हूँ सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन पे तो पहुँच चुके हैं और बहुत सुंदर लोकेशन है बहुत सुंदर लोकेशन है एज यू कैन सी अभी पता नहीं ये कौन सा लोकेशन है यहाँ पे नेट वेट कुछ नहीं आ रहा है बट हियर इज़ अ लाइनअप और यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट वगैरह चल रहा है थोड़ा गप्पे वगैरह मार रहे हैं और भाई टायर के साथ सो फार सो गुड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है चला के अंकल स्टैंड आउट है बहुत सुंदर लग रहा है यार बहुत सुंदर लग रहा है टायर के साथ या यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी और आगे जैसे कि बोला है कि लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है तो हमें वापस से इसी रूट से ही जाना पड़ेगा उस रूट से जा नहीं सकते या ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और सिद्धांत ने गाना बजा दिया है कॉपीराइट लगाने के लिए बजाया पता है तो अभी गाइस मैं चलाने वाला हूँ आयरन और शोभा चलाएगा मेरा जीटी और ये मेरे सामने रहेगा ताकि मैं पीछे से अपना बाइक का पिछला टायर का व्यू ले सकूं ओहो हो क्या लग रहा है यार तो गाइस यहाँ पे ये मत पढ़ना उल्टा सुल्टा सब लिखा हुआ है और कलर जो है इसका येलो क्या है जैसे कि पहले बताया था और हाँ ये वाला स्ट्रीट रॉड का हैंडल बार है ठीक है ये आयरन का नहीं है स्ट्रीट रॉड का है ट्रैक हैंडल बार लेट्स गो क्यों चलाई दे ऑटा मारी दे मना से चलो तू आगे जा तू आगे जा ओ क्या लग रहा है यार पीछे से सही में आए आए ओ भाई क्या लग रहा है यार मेरा बाइक हो चुम्मा भाई
से आप देख सकते हो लोकेशन बहुत ही सही लग रहा है, व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ क्लिक करेंगे यहाँ पे, लेट्स गो। आयरन देखो ना, मनो है देखो नी जा जा जाइबो जाइबो जा तू जा। आयरन लगबो, आयरन आयरन नहीं आएगा। सामने जगह है क्या? तो इधर क्या इतना भाई, रुकिए आयरन लग जाएगा यार। मेरा भी बाइक कैसे बहुत ही लग लग के गया है। तेरा आ जाएगा, आ जा आ जा आ जा। घिस गया घिस गया, आ जा आ जा आ जा आ जाएगा। रुक जा रुक जा रुक, अच्छा रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अच्छा आप आ गया, आ गया तू आ जा तू आ जा, एक पत्थर दे देता हूँ। आ गया आ गया तेरा आ गया, आ जा एक एक खींच के आ जा पूरा। रुक रुक रुक, इधर चला इधर चला, रुक तू बैठ ना बाइक पे बैठ, इसका यहाँ से उतार। हाँ हाँ वो ही दे आप नमाई दी से ये भी क्या नमाई थे कने लागी कैसे तो इधर कने नमाई ले जरा पीछे बोड़ी जरा आन आन पीछे आन ब्रेक द हॉर्न इधर के नमा जदि के पत्थर दी इधर के नमा बाल जाइबो दे 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 जा भाई। एक और पत्थर देना पड़ेगा, लग गया लग गया लग गया इधर इधर ना ब्रेक दो इधर का साइड खोल दे, इधर का साइड खोल दे, कौन जगह इधर का साइड खोल दे। आयरन आई तो ना, हाँ एक कुंडल दिया आयरन आई तो ना, तो इधर का थाउक भाई एक फुटर लगी खाली टच हो ना ना आयरन पूरा टच हो जाए। सिद्धांत चला गया यार आगे, उसको हॉर्न मारा उसको सुनाई नहीं दिया। अरे यार थक गए यार बाइक को खींचते खींचते। तो गाइस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना हो चुका है यहाँ पे मेरे को, आज ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, रेड बुल मेरा। चलो निकलते हैं, ये दोनों बाइक्स आ नहीं पाए क्योंकि ज़्यादा ही लो है, मेरा वाला भी थोड़ा सा खींच के आया है और जावा का तो बोल के लाभ नहीं है कुछ, इसने चढ़ा दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर से ही निकलते हैं, इधर से ही निकलते हम लोग। हाँ स्ट्रेट जाएंगे हम, चले पहाड़ों में गुनगुनाती रहो में, बाकी कॉपीराइट आ जाएगा। लेट्स गो इंद्रा। तो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, ये सब क्लियर किया जा रहा है जेसीबीज और ये ट्रक के द्वारा। हाँ तो काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था गाइस। तो यार बहुत फ्लश होगा यहाँ पे, आराम से आराम से बस हो गया। चलो गाइस अभी चलते हैं घर, और कुछ लोग इधर से जा रहे हैं तो हम लोग इधर से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस लेट्स गो। तो गाइस अभी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, अभी इंदर चलाएगा, नहीं नहीं चला चला ब्लॉक कर रहा हूँ, अभी इंदर चलाएगा मेरा बाइक और मैं उसका ड्यूक 390। ओ भाई ऊँचा है भाई, कम ऑन लेट्स गो। इतना कंफर्टेबल है और इतना स्मूथ है ना यार, ओह सुंदर है भाई। तो गाइस हम लोग वापस से टाउन पे आ चुके हैं, आज का राइड काफी बढ़िया रहा, बट यार मेरा पूरा बॉडी इतना दुख रहा है ना, मैं क्या बताऊँ इतना दुख रहा है, पता नहीं क्यों इतना टाइम बाद राइड कर रहा हूँ शायद इसलिए। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर, पूरा शरीर दुख गया यार, पूरा शरीर दुख गया।